गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज आप जाके इसके एक्सचेंज में ना चॉकलेट लेके आओ एक मेरे लिए। कर सकते हो ऐसा? तुम कर सकती हो? मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ। नो मैम। नहीं, अगर मैं आप लोगों को 100 रुपीज का नोट दूँ तो कर सकता है कोई ये काम? Yes. ला सकते हो मेरे लिए चॉकलेट अगर मैं 100 रुपीज का नोट दूँ आप लोगों को? Yes. तो इसके एक्सचेंज में क्यों नहीं ला सकता कोई आज के टाइम में, मुझे ये बताओ। नो वन? क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास करेंसी है, दैट इज अ कॉमन मेजर जिसके अगेंस्ट हम मेजर कर पाएंगे चीजों को। तो आज हम लोग है ना टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आज जो रुपीस की एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो आई कैसे हमारे पास। कभी तो हमने एक्सचेंज किया होगा ना किसी चीज के लिए, कभी हमने ये बोला होगा यार ये पेन बहुत अच्छा है मेरे फ्रेंड के पास, एक्सचेंज कर लेते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब जब हमारे पास मोहनजोदारो, जब हम बहुत ही ओल्ड सिविलाइजेशंस में रहते थे, मोहनजोदारो लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तब हम क्या करते थे? हाउ डू वी गेट द थिंग्स वी वांटेड? एनीवन? बार्टर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन ईच अदर, ठीक है, सोसाइटी में। फिर हमने थोड़ा इवॉल्व किया, राजा महाराजा, यू नो महाजन पर्स एंड ऑल, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, वी इवॉल्व। तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारा सोना आया था। देन वी वेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड फॉर द कमोडिटीज। बट एक्सचेंज ऑफ गोल्ड कर सकते थे, बट वो गोल्ड भी तो फिनिश हो जाता हमारे पास, हर वक्त तो गोल्ड नहीं यूज कर सकते थे हम। तो वी मूव्ड ऑन टू द मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स का मतलब था वी मूव्ड ऑन यूजिंग कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड ऑल। अब कॉपर ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा लोग घर पे बहुत सारे बर्तन थे, वी हैड सो मेनी कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल्स विच कुड बी यूज एज फॉर द एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। बट फिर हमने क्या करा, बहुत लोगों का दिमाग शातिर तो होता ही है, अपने घर के बर्तन पिघला के कॉइन्स बना दिए। बट फिर क्या करते, नहीं यार ये भी वर्कआउट नहीं किया, और हर जगह यू कैन नॉट कैरी सो मच बंडल ऑफ कॉइन्स, कितने हैवी होते थे। देन वी मूव्ड ऑन टू द पेपर नोट्स। पेपर नोट्स आज भी हमें दिखाई देते हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, 2000 का नोट दिखाई देता है। बट एज वी मूव फॉरवर्ड आते जा रहे हैं, आजकल कोई लोग कैरी करते हैं, कोई लोग प्रेफर नहीं करते। क्यों? इट कैन बी ईजिली टोर अपार्ट, कर सकते हैं हम फाड़ सकते हैं नोट्स को। बट हम प्लास्टिक कार्ड्स के साथ वो चीज़ कर सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो मैं इसको ईजिली? जैसे मैं इस पेपर को इमेजिन एज अ पेपर नोट, इसको जितनी इजीली मैं टोर कर सकती हूँ, टियर कर सकती हूँ, क्या मैं इस प्लास्टिक को कर सकती हूँ? सिमिलर वॉज द केस कि हम प्लास्टिक कार्ड्स क्यों लेके आए, इट वॉज ईजी टू स्टोर, पॉकेट्स में आ गया, कहीं हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, कितना भी कैश है वी हैव अ कार्ड, उतना कैश यूजेज में आ जाएगा। देन वी मूव्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक मनी। आजकल सबके पास मोबाइल है, एवरीवन इज यूजिंग, चलो फोन पे करते हैं, लेट टू पेटीएम। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मूव फॉरवर्ड करती रहती है, वी डेवलप, तो डेवलपमेंट के साथ वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद आवर एवोल्यूशन ऑफ मनी एज वेल। तो आज के टाइम में द लेटेस्ट थिंग हम आजकल क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? एनीवन नोस मनी का फ्यूचर क्या होगा? क्रिप्टो। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो? लिब्रा, टीरा, देर आर मैनी। ऑल दो हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसीज आज इकोनॉमी में प्रेवलेंट है, बट दे आर नॉट अ लीगल करेंसी अभी भी, बिकॉज रीजन है इस चीज़ का, कोई हाईलाइट कर सकता है क्यों नहीं अभी तक ये लीगल करेंसी हमारी? नो आइडिया। देर इज अ कैच इन द डिजिटल सिस्टम कि हमने अभी तक इतना एक्सेसिव अच्छे तरीके से अपना डिजिटल सिस्टम अपना अपग्रेड नहीं किया, दैट वी कैन प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ पीपल इन दैट क्रिप्टो करेंसी। तो आज हमने क्या लर्न किया कि मनी इतने कम्बरसम से, इतनी कम्बरसम, हम कहीं भी कॉमोडिटी कैरी नहीं कर सकते, इतने कम्बरसम अमाउंट से कैसे एक शॉर्ट कॉइन में आ गया, या फिर ऑन अ क्लिक ऑफ द फ्यू बटन्स कैसे हमारा मूव ऑन कर गया। सो आज आपका होमवर्क है
कि आपको याद करके आना है बार्टर सिस्टम से लेकर हमने जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी तक इवॉल्व किया है, एग्जाम्पल्स देने हैं उस चीज़ के, हर चीज़ के दो एग्जाम्पल्स. सो योर होमवर्क इज okay. Good morning, students. Good morning. How are you all? Fine. Chalo. Today we would be discussing about the properties of a triangle. First, let me recall certain few concepts about the triangles. Who will tell me what is a triangle? Anyone? A triangle is a shape which has three sides. Yes, correct. Yes. A triangle is a shape with a three sides and three corners. Three corners, three vertices, three angles. Can I say a triangle is a two-dimensional closed polygon having three sides? Am I right? So, let me draw a triangle. Okay. Our today's topic would be properties of triangle. Yes, dear students. Can anyone recall if I produce this line like this? What is this angle called? Can anyone recall? Exterior angle of a triangle. I am naming this as angle 1, this as angle 2, this as angle 3, and the exterior angle, that is angle ACD, as 4. So the today's topic is the sum of all angles of a triangle is 180 degree, means the total measure of all the angles within the triangle is 180 degree. Regarding this, we have an activity today. Please take one triangle and pass it on to the other student. You all would be having a triangle. Each and every triangle is different because its sides and angles are different. Okay? All the students got their triangles? Okay. Now, see. Now, we are discussing about the sum of all the angles within the triangle is this. We have to prove this. Okay, now please cut all the angles of your triangle like this. This is 1, two, and 3. The remaining center part you can discard it off. Okay, we just want the three angles. Everybody done this? Yes. Okay, now please rearrange these angles in a straight line like this. You will see like this. Arrange it in a straight line, this straight line. Got it? What we got? Ki all the three angles, they form a straight line. And we all know the straight line, the angle between the straight line is 180 degree. Everybody clear with this? Yes. Now, but in maths, each and every statement has a proof, has a logic and a reasoning proper. So let's begin the proof of this statement. Jo abhi aapne activity part kiya, that is the activity part. But in maths, we have this, the reasoning also. Okay? Now, all the students, please see it on the board. If I draw a parallel line like this, let me name it as CE, means AB and AC line are parallel to each other. AB line and C
CE are parallel to each other. Now look, AC acts as a transversal. As we have already know, this is the property of parallel lines and transversal angle 1. Let me name it like this also, 5 and 6. Okay, fifth angle would be ACE and sixth would be ECD. This part clear? Okay, now according to the properties of parallel lines, angle 1 and angle 5 are equal because they are alternate angles. I hope everybody is understanding this. Any doubt till far? No? Okay. Now, AB and CE are parallel. Now, BC as transversal line, angle 2 and angle 6 are equal because they are corresponding angle. Okay? So, can I write on this statement, instead of angle 1, I am writing angle 5. Instead of angle 2, I am writing angle 6. Now, angle 3, same. And students, do you remember this 3 plus 5 plus 6 angle, they form a straight line and means it is 180 degree. Everybody got it? Yes. Okay, done. So students, this is the homework part. You have to recall recall the proof of this statement that the sum of all the three angles of a triangle is 180 degree. Thank you. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Very good. Very nice. All right. So in our last class, we have done our topic noun. Can anyone define noun? Naming words. Absolutely right. All naming words are called noun. Komal, can you give me an example of proper noun? Komal. Exactly. Komal. Komal is a name of a girl. So particularly girl ka kya name mila hai hame? Komal. And can you give me an example of common noun? Any common name, place, animal, common object. Taj Mahal. Taj Mahal. Girl. Yes. Girl is a common noun because we don't know kis girl ke bare mein hum yahan par baat kar rahe hain. But common noun mein hume particularly girl ka name mila tha, Komal. Right? Chaliye. So our next topic start karne se pehle choti si activity ho jaye. I have a flower. Look at the flower, and now what we have to do, we have to tell everyone about this flower. Flower ke bare mein koi bhi word jo aapke mind mein aa raha hai, aapko ma'am ko one word batana hai. Theek hai? So I am drawing a flower here. Okay. Now I will call you one by one. Praveen, come and describe a word about this flower. कोई भी वर्ड फ्लावर के बारे में आपने मुझे बताना है. फ्लावर कैसा दिखता है, किस कलर का है, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है. Should I write? Yes, you can write. Very good. He used the word beautiful. Very good. Komal, any other word for the flower? Pretty. All right. So I am writing on your behalf. Pretty. Any other word? Yellow. Amazing. Yellow. So we have described the flower using these three words. The word pretty, the word yellow, the word beautiful. We use these three words to describe this flower. Right? Agar hum kisi dress ki baat kare. कोई भी, सपोज मैम ने यहाँ पे टी शर्ट ड्रॉ किया है. अब आपको इस टी शर्ट को अगर डिस्क्राइब करना है, व्हाट वर्ड्स विल यू यूज, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस टी शर्ट? वी विल टॉक अबाउट द कलर, द साइज. कलर वी कैन लुक एट द टी शर्ट, एनी कलर लाइक ब्लू, वेरी गुड, व्हाइट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइज, स्मॉल, लार्ज,
medium, any color. And now we will talk about how many, the number. हम बता सकते हैं वी हैव वन टी शर्ट और इफ वी हैव टू देन द नंबर राइट. सो हमने अभी यहाँ पे क्या किया, वी हैव डिस्क्राइब्ड द फ्लावर एंड द टी शर्ट. सो ऑल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर डिस्क्राइबिंग द नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स एंड दिस इज आर टुडेज टॉपिक. आर टुडेज टॉपिक इज Adjectives. What are adjectives? Describing words. Very nice. An adjective is a word that describes a noun. अब noun के बारे में हमें कुछ भी चीजें describe की जा सकती है, right? जैसे how many, the number. If we are talking about numbers, it can be 1, 7, 4, 9 or any other number, right? Then how it feels. किसी भी noun के बारे में हम कैसा feel कर रहे हैं, cold है, hot है, teddy bears कैसे होते हैं, soft, rough, hard, right? कैसा feel कर रहे हैं, हम ये सब words use कर सकते हैं. Then the second one is how it looks, कैसा दिख रहा है. We can use words like shiny, bright, the words which we use for the flower, pretty, shiny, and what size. Size के बारे में जब हम बात करते हैं, it can be small, it can be big, right? And its shape. If we have a ball, what shape it is in? Round. Round. It is round in shape. It's a circle. Now I have a sandwich. In what shape it is? Triangle. So last one is what color. जब हम color की बात करते हैं, so हमें red, yellow, green इस type के हम words use कर सकते हैं, right? So your homework is I am giving you a box. जैसे I have in a chart, I am giving you a box of corn. Now you have to describe 5 words about popcorn. This is your homework. Good morning, students. Good morning. Why your energy is so low? Good morning, students. Good morning, ma'am. आप सब कैसे हो? Good. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आजकल आप ऑनलाइन कुछ बाय करते हो? क्या करती हैं आपकी मम्मा बाय? ये सब करती हैं. और किस किस की मम्मा करती हैं, पापा करते हैं और खुद भी कितने लोग करते हैं? सब करते हैं. तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप ऑफ? वाह, और शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? ई कॉमर्स. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो बेसिकली ई कॉमर्स क्या है, जो हमें अनेबल करता है कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज बाय करें ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है? जिसपे हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, एप्स यूज करते हैं, राइट? अब ना हम, अब कोई मुझे बताएगा इसके फीचर्स क्या होते हैं, एज इन कि आप ऑनलाइन बाय करना क्यों चाहते हो एज कंपेयर टू मोबाइल से? जाना नहीं पड़ता. वेरी गुड. सो वी कैन से के डोर स्टेप सर्विसेज है तो हमारा टाइम बहुत सेव होता है और कंफर्टेबल है कि हमें एक धूप में, इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाना पड़ा. जस्ट वन क्लिक और वो हमारे घर पे आ जाता है. और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सस्ता पड़ता है वो हमें, राइट? वो हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि बहुत सारे इजीली एक्सेसिबल. और एक और चीज है, जल्दी बताओ, जब आप कपड़े बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. और एक और चीज है,
आप मार्केट जाओगे, धूप पसीने में घूमोगे और फिर आपको हाँ सेव्स टाइम और बहुत सारी वैरायटी भी मिलती है, राइट? ऑनलाइन तो हमें कितनी सारी वैरायटी मिल जाती है, वो भी सस्ते उसमें, और हम रजौरी अगर मार्केट जाएंगे तो वो कितनी महंगी मिलेगी, राइट? ठीक है, सबको इसके करेक्टरिस्टिक्स समझ आए? चलो अब हम ना इसके टाइप्स करते हैं, ई कॉमर्स के टाइप्स। इसके ना ब्रॉडली चार टाइप होते हैं। एक होता है बी टू बी, यहाँ किसी को पता है बी टू बी का मतलब क्या है? Business to business. Yes, very good. It is business to business. इसमें क्या होता है कि जो manufacturer होता है वो direct wholesaler को बेचता है। जो हम chain use करते हैं ना, wholesaler, manufacturer, wholesaler, retailer, वो B2B के आता है। जो manufacturer to wholesaler होता है ना, उसे हम B2B कहते हैं। इसका कोई example बताएगा? किसी के भाई बहन मम्मी पापा किसी कंपनी में काम करते हो, सॉरी अली एक्सप्रेस नहीं, वो दूसरा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगी वो किसके अंडर आता है। इसका आप नेट पे जाके सर्च करना, मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये कंपनी क्या है और क्या करती है। एक कंपनी है, स्टार्टअप है ये उड़ान के नाम से, घर जाके सब सर्च करना और कल मैं पूछूंगी आपके आपसे। दूसरा है, ये तो सबको ही पता होगा, B2C किसको कहते हैं हम? बिजनेस टू कंज्यूमर, वेरी गुड। अब ये सब तो आप भी शॉप करते हो, क्या एग्जांपल है इसके? एप्स के नाम बताओ। यस, वेरी गुड। क्या ये तो सबको ही पता है? मैं एक दो एग्जांपल लिख रही हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना, ठीक है? वो आपके होमवर्क में होगा। अब एक और आता है C2C किसे कहते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने कभी ओएलएक्स पे अपने चीजें बेची हैं पुरानी वाली, तो वो किसका एग्जांपल हुआ? C2C का, वेरी गुड। सॉरी, अब ना आजकल एक और आया है, वो है D2C। ये कोई जानता है इसका? ये है डायरेक्ट टू कस्टमर। हाँ, इसे है डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें क्या होता है कि जो होलसेलर सॉरी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करता है, तो इसकी वजह से हमें कॉस्ट बहुत कम पड़ जाती है। एक इसका एग्जांपल है, अगर किसी ने शार्क टैंक देखा हो तो वहाँ शुगर की जो ओनर है वो आती है, क्या नाम है उसका? ये आपका होमवर्क है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसके ओनर का नाम पता करके लाओगे, इसके बारे में सर्च करोगे और इसके एक एक एग्जांपल और लिखोगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट? ओके, थैंक यू।